अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से इस्तकबाल है मेरे चैनल मीर फिशिंग मास्टर में। आज मैं जो टॉपिक को लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अपनी नई रील ले आया हूँ अबू गार्सिया प्रो मैक्स 3, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम कैसे लाइन स्पूल करें इसमें, या मैं सिंपली कहूँ कि हम क्या गलतियाँ करते हैं जब लाइन स्पूल करते हैं। तो 5 से 6 गलतियाँ हैं। अगर आज मेरे कैमरे में कुछ गड़बड़ होती है रिकॉर्डिंग में, तो मैं जस्ट एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि आपके साथ में अच्छी रिकॉर्डिंग के लिए कुछ लोग होना चाहिए, जैसे मोहम्मद तला और मीर इब्राहिम अली आज हमारे साथ है। हम यहाँ पास के तालाब पर आए हुए हैं रिकॉर्डिंग के लिए। तो लीजिए इब्राहिम भाई, तो चलिए बात करते हैं। बेटा उल्टा पकड़ रहे हो, हाँ चलिए बात कर रहे हैं स्पूलिंग की। तो स्पूलिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, लेकिन जो मेरे हिसाब से बुनियादी 5-6 मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं, हम उस ताल्लुक से बात करते हुए चलेंगे। आज मैं इस लाइन के अंदर लुकाना की जो हमने रेनो ली है 9X वाली, ये लाइन फिलअप करने वाले हैं इस रील में वाइट कास्टिंग की। तो कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करते हुए हम चलेंगे, जिससे आपको समझ में भी आए और आसानी भी हो। बुनियादी चीज़ ये समझिए दोस्तों कि लाइन मैं मतलब ब्रेडेड लाइन ज़्यादा प्रीफर नहीं करता था पहले लोगों को, क्योंकि कॉस्टली होती थी, लेकिन अब ब्रेडेड लाइन सस्ती मिल रही है। ये 900 रुपये की है, और मेरे पिछले वीडियो में चेस बाइट की जो कीमत बताई थी मैंने, जो तौसीफ भाई से परचेज़ किया है, वो कुछ 1000 रुपये का है, मैंने कम बता दी थी, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिएगा मुझे उस गलती के लिए। तो इससे पहले तो हम लोग पहला गलती को हम लोग पहले ध्यान में लेते हुए चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बुनियादी बातें कर लेते हैं। जब भी हम लोग लाइन फिलअप करते हैं तो कुछ बेसिक मिस्टेक्स करते हैं, और उसके साथ में फिर बाद में हमें जब प्रॉब्लम आती है तो हमें समझता नहीं है कि क्या करना है, जो मेरे साथ में भी हुआ सॉरी। तो हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए हमारा पहला काम करेंगे, हम लोग बात करेंगे पहली मिस्टेक की तरफ, कि हम लोग बुनियादी तौर पे क्या मिस्टेक कर लेते हैं। इब्राहिम बे बन बन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पहली मिस्टेक की। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जो मैंने ढूंढा है, हमें सब कुछ स्ट्रेट लाइन रखना है। जब हम रील को रोल करते हैं तो ये ऊपर से यूं रोल होती है, तो जब इसमें से लाइन निकले तो इसको भी ऊपर रखना है, मतलब इसको स्ट्रेट इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। जब ये लाइन इसमें आए तो इस तरीके से रहे, ये एक बुनियादी मसला है। आप कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं वो आपके लिए बेटर है, मैं सिर्फ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सही लगा, मैंने इसकी काफ़ी स्टडी की और उसके बाद में डिसाइड किया कि ये तरीका सही है, तो हम इसके साथ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको कैमरा स्विच करके मैं पहले इसमें जो अर्बन नॉट लगाते हैं वो नॉट लगाकर बताता हूँ आपको, नॉट के लिए कैसा डालना है वो, और उसके बाद में इसका जो सेटअप होता है आप 3-4 तरीके से अलग अलग कर सकते हो, लेकिन जो सेटअप में मैं करने वाला हूँ आज साइड पर आकर, तो वो सेटअप भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोग स्विच करते हैं मेरे सेल्फ कैमरे पर। से पहली चीज़ हम बयान कर रहा था मैं कि देखिए इसका स्पूल कितना स्मूथ है, बहुत अच्छा लगा दोस्तों मुझे। अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, जब आप रील के अंदर नॉट डालो तो आपको इसको एटलीस्ट पहले गाइड में से निकाल लेना है। कुछ लोग इसमें सुराख कर इसका प्रोसेस करते हैं। अब इसे मैं पहले गाइड में से निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में आपको अर्बन नॉट बताता हूँ दोस्तों कि अर्बन नॉट कैसे बांधना है। मोहम्मद तला भाई आ जाइए यहाँ पे, थोड़ा ढीला छोड़िए उसको ताकि मैं लाइन निकाल लूँ उसमें से इस तरीके से। अब दोस्तों इसे पहले गाइड में से निकाल लेना है अच्छे तरीके से। पहला गाइड अपने जब क्रॉस कर लिया तो फिर इसे यहाँ रील में डालने के लिए पहले होल से निकालना है। अब इसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना करते हुए दोस्तों किसी एक होल में इसे जाने देना है अंदर। लोग इसके होल को भी पास कर देते हैं, पर हमें इसके होल को पास नहीं करना है। तो अर्बन नॉट को गौर से देख लीजिए दोस्तों, बस इसे घुमा कर ले आना है, आपकी लाइन ऊपर आ गई। कितना आसान था ये देखिए दोस्तों। अब अर्बन नॉट चीज़ क्या होती है, इब्राहिम भाई तला भाई एक मिनट उसको नीचे रख दीजिए, नीचे रख दो उसको घुमा कर, हाँ वेरी गुड। आ जाओ यहाँ से, आ जाओ हमारे सामने से, आ जाओ इसको पकड़ लो, आ जाओ इब्राहिम आप भी आकर खड़े हो जाओ। अब देखिए दोस्तों ये जो है ये सिंपल, पहले हमें इसे ऊपर एक नॉट बांधनी है। जैसे ही हम इसे ऊपर एक नॉट बांध देते हैं इब्राहिम,
वो सामने के पैकेट में कैंची है बेटा, वो निकाल लो पुट्ठे के पीछे। हाँ जी बेटा प्लीज, उसके पीछे देखो, और जो मास्क हम लगाते उसके पीछे होंगी। पुट्ठा नीचे रख दो, देखो कैंची का पैकेट है। पहले इसे एक सादी नॉट बांध देनी है, जब ये नॉट बन जाए तो अंदर से ये वाली लाइन लेकर आपके पास रखो बेटा, एक मिनट। अंदर से ये वाली नॉट लेकर इसे ऊपर कर लेना है इस तरीके से। हाँ पकड़ के रखो बेटा, ऊपर लो यहाँ पे ऐसा, नज़दीक लो बेटा समझने को ना। हमने पहले इसे एक बुनियादी नॉट बांध दिए, अर्बन नॉट समझ लीजिए दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर इसे इस तरीके की तीन लाइन हो जाएंगी, लेकिन यही लाइन जो ऊपर आ रही है इसे एक नॉट देनी है। जब आप इसे ये नॉट दे दो इस तरीके से, तो इसे खींच लो। जब आप इसे खींच लोगे आप देख पा रहे हो उसे, इसीलिए मैंने ये पीली लाइन ली है। जब आप खींचोगे तो ये नॉट इसके पास में चली जाएगी इस तरह, और ये काफ़ी मजबूत हो जाएगी। बताइए बेटा कैंची इस तरीके से। दूसरी एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है दोस्तों, पकड़ी कि ये बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद कट कर लीजिए। लीजिए इब्राहिम साहब, ये हो गई आपकी अर्बन नॉट, इसे बिल्कुल सेंटर में बांधना है आपको। मेक श्योर इसे टाइट कर लेना है। ये हो गई टाइट काफ़ी अच्छे से। अब अगर हम इसे स्पूल घुमाते हैं तो ये अंदर आ जाएगी लाइन। वेरी गुड। तो इस तरीके से इसे पहले मेक कंफर्म कर लेना है, बिल्कुल बीच में, मिडल में ये इस तरीके से आ गई है। अब मैं आपको लाइन फिलअप करना बताता हूँ इंशाल्लाह। उसके लिए हम लोग दो मिनट का पाउज लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि हमें ये भी ऊपर रखना है और रील की साइड से ऊपर आना है। अब उसके बाद में मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ, हट जाओ बेटा एक मिनट, तो मैं एक कार्टून ले लेता हूँ छोटा सा, जिसमें रील चली जाए। इसको इस तरीके से डाल देता हूँ दोस्तों। इसको डालने के बाद में यहाँ से ऊपर से इसे ओपन रखता हूँ इस तरीके से। अब ये मैं श्योर कर लेता हूँ कि ये बाहर ना निकले। इसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो करता हूँ, मैं इसे इस तरीके से अपने बॉक्स में आगे बैग के अगली चैन में डालकर और यूँ बंद कर लेता हूँ। मतलब अब लाइन जब आएंगी तो सिंपली लाइन सिर्फ ऊपर की तरफ आएंगी और मुझे इसे टेंशन देना है। तो टेंशन के लिए भी मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो गया है। अब कुछ चीज़ें जो बुनियादी मुझे आपको बतानी है, गलती नंबर एक की, कि इस तरीके से इसे लाइन को अंदर लेना है, बिल्कुल बीच में लेकर। अब आप देखोगे तो ये पहले गाइड से गुज़र चुका है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये गुज़रा हुआ है। वहाँ से लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो ये दोस्तों, ये हम जो पहली गलती करते हैं उसके ताल्लुक से मैंने आपको बताया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारी दूसरी मिस्टेक की तरफ। इसके काफ़ी अलग अलग सेटअप भी है दोस्तों। मतलब जैसा मैंने इसमें लगाया है, मैं एक कार्टून में भी इसे एडजस्ट करता हूँ, उसको पेंसिल आर पार लगा देता हूँ। पेंसिल अंदर एडजस्ट होने के बाद में उसे आजू बाजू से तो हल्का सा प्रेशर देने के लिए पुट्ठे लगाता हूँ। अभी अगर आप देखोगे तो लाइन काफ़ी टाइट आ रही है इसमें से। मतलब मुझे तो पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ में, और रील भी बाहर नहीं आएंगी। तो ये हो गई हमारी पहली गलती दोस्तों। मैं बाकी के तरीके भी आपको बताऊँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आते हैं मिस्टेक नंबर टू की तरफ। मिस्टेक नंबर टू बुनियादी तौर पर क्या है, तो मैं वही चीज़ आपको बताता चलूँ। मिस्टेक नंबर टू में सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये होती है, एक तो ज़्यादा टाइट लाइन डाल देते हैं अंदर, या तो फ्री लाइन डाल देते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइट लाइन डालोगे तो जब आप कास्ट करोगे तो कास्ट करने में आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि कास्ट अच्छा नहीं हो पाएगा। आपके मर्ज़ी के मुताबिक कास्ट नहीं हो पाएगा, लाइन निकलने में प्रॉब्लम करेंगी, बैकलैशेस हो सकते हैं। जब आप स्लो डाल रहे हो, मतलब टेंशन कम रख रहे हो, तो भी काफ़ी बड़ी परेशानी होती है। यानी वो गुच्छा हो जाता है, उसमें मेमोरीज आ जाती है। पहली बात तो अगर आपको डालना ही है तो जो तरीका मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, इस तरीके से पकड़कर यूँ सामने पकड़ता हूँ। अगर कुछ नहीं समझ में भी आ रहा है तो इससे भी आप प्रेशर कर सकते हो, हाथ में एक मामूली सा कॉटन का कपड़ा वगैरह रखकर, और फिर कर सकते हो। लेकिन मैंने आज जो तरीका अभी इस्तेमाल किया है, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्पूल हो जाती है। और अगर आप टाइट करते हो, ज़्यादा टाइट करते हो, मैं उसके ऊपर से भी एक वीडियो बनाऊँगा कि गलतियाँ क्या होती है, तो आप एक साइड में लाइन को लपेट दोगे, दूसरी साइड में लाइन जा ही नहीं पाएंगी। मतलब या तो इस तरफ लाइन आ जाएगी या इस तरफ लाइन आ जाएगी। मैंने बीच में नॉड को इसलिए किया है कि लाइन सभी जगह पर पैरेलल सी बन जाए। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए दोस्तों।
अब इसके बाद में इसे कैसे अंदर लेना है, तो बस ये तरीका यहाँ पर रखना है कि ये इस तरीके से लपेटना शुरू कर दीजिए। अब अगर आप देख रहे हो तो ये टेंशन भी काफ़ी अच्छा है, आपको और टेंशन देना है तो आपको यहाँ से लाइन को हल्का सा हाथ से पकड़ लेना है। अब देखिए ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से पूरी रील में लपेटी जा रही है। ये दोस्तों मिस्टेक नंबर 2 की तरफ आ चुके हैं हम, मैंने आपको 2 के बारे में बता चुका हूँ। देखिए लाइन कितनी खूबसूरती से लपेटी जा रही है। मैं थोड़ा इसे, अच्छा इसे ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं चलाना है, ज़्यादा धीरे भी नहीं चलाना है, प्रेशर उतना ही बेहतरीन तरीके से रखना है कि आपकी लाइन सही तरीके से आए। ये यहाँ पर आने पर समझ में आता है दोस्तों, जब लाइन ऊपर आने लगती है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन दिखनी चाहिए जब ये फिल हो जाए। अब अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों तो ये लाइन बिल्कुल परफेक्टली सीधी भरी है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं अपनी अगली मिस्टेक की तरफ कि हम लोग अगली गलती क्या करते हैं, तो मिस्टेक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो तीसरी मिस्टेक के बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों कि लाइन अगर आपने इवन और ऑड भरी, तो अब इसमें कुछ गलतियाँ ये होती है कि कुछ लोग काफ़ी स्पीड में भरते हैं, कुछ लोग काफ़ी धीरे भरते हैं। स्पीड ये रेस नहीं है दोस्तों, यहाँ पर लाइन को अच्छे से फिलअप करना है आपको ताकि आपको आगे के कास्ट अच्छे रहे, जिसकी वजह से आपकी लाइन अगर इसमें परफेक्टली आती है तो आपके कास्ट परफेक्ट रहेंगे। मेक श्योर कुछ लोग यहाँ पर हाथ रखकर और फिर इसे ऐसा ऐसा, ये देखिए इस तरीके से उंगला रखकर और फिर सोचते हैं कि ये लाइन मेरी टाइट भरी जा रही है। नहीं दोस्तों, यहाँ से टाइट का होता है। अगर आप ऐसी लाइन भरोगे और जब आप थ्रो करोगे ये गुच्छा हो जाएगी, ये गुच्छा होने के रिजल्ट्स आपको आगे मालूम पड़ेंगे। जब भी आप लाइन भरते हो तो पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना है, यहाँ पर प्रेशर नहीं रखना है, और उसके बाद में ड्रैग सिस्टम को थोड़ा टाइट कर लीजिए। जैसा देखिए यहाँ पर भी ढीला था, ये मैंने इसे टाइट कर लिया। ये हमारी बुनियादी मिस्टेक है। अब मैं इसे थोड़ा और फिलअप करता हूँ, अगर मुझे प्रेशर लगता है तो मैं यहाँ से बनाऊँगा इसे इस तरीके से, बिल्कुल बीच में पकड़ के सेंट्रिकल बिल्कुल ही। ये इस तरीके से लाइन इसमें आना शुरू है दोस्तों, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा स्लो नहीं। आप देख रहे हो मैंने वहाँ पर भी उसे कैसे रखा है, ये 150 मीटर की लाइन है तो ये इसके लिए सफिशिएंट रहेंगी, क्योंकि जितने mm में मैंने मंगाया हूँ 2.8 mm में, 0.28 mm में, तो उसमें ये 135 मीटर बैठ जाती है। बस इसके आगे अब मैं, हम लोग बात करते हैं दोस्तों हमारी अगली मिस्टेक के ताल्लुक से। ये देखिए मैंने लाइन काफ़ी अच्छी फिलअप कर ली है। अब चलिए बात करते हैं अगली मिस्टेक की तरफ, चौथी मिस्टेक। अब जो चौथी मिस्टेक की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या चीज़ है? देखिए वो बात ऐसी है कि ये चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे नीचे से भी देखो और ऊपर साइड से भी देखो, मैं चौथी मिस्टेक पहले बता देता हूँ। लाइन को हद से ज़्यादा भरना, गुच्छा कर देना इसके अंदर, या फिर लाइन को कम भरना, ये दो चीज़ों की वजह से इसमें प्रॉब्लम आता है। आप देखेंगे मैंने थोड़ी सी जगह यहाँ पर छोड़ रखी है, देखिए बिल्कुल मामूली सी जगह मैंने छोड़ रखी है। अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा और भर सकते हो, 2-3 स्पूल को घुमाने जितना, या आप लीडर लाइन लगा रहे हो तो उसके हिसाब से इसे छोड़ना है। अगर आपने पूरा भर दिया तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर नीचे भी और यहाँ साइड में आगे भी, ये दोनों जो प्लेट्स हैं नीचे की, ये भी इससे लगती है। और अगर आप ज़्यादा भर देते हो तो इनडायरेक्टली ये इफ़ेक्ट करता है इसके गेयर रेशो पर। ये रहा इसका गेयर रेशो, 7.1:1 का गेयर रेशो है। ये गेयर रेशो प्रॉपर काम नहीं करेगा, लाइन अटकेगी। अच्छा ये हो गया ज़्यादा भरने का मतलब, जब आप कास्ट करोगे तो कास्टिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये चल नहीं पाएंगी, क्योंकि नीचे और ऊपर साइड में, मेनली तो नीचे की दोनों साइड में ये लगना शुरू हो जाएंगी, और ये अगर वहाँ लगेंगी तो ये स्लो चलेंगी, तो ना कास्टिंग में आपके प्रॉब्लम आएगा, रील जब आपका टाइड अप होगा उस टाइम में ये प्रॉब्लम आएगा। तो बेटर वे है कि पूरा ना भरे, थोड़ा खाली रखे इसे। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, इसी के अंदर चौथे मिस्टेक के अंदर हम कम लाइन भर लेते हैं। कम लाइन भरने का सबसे बड़ा एडवांटेज कि जब आप कास्ट करते हो तो एक तो वो ज़्यादा घूमती है लाइन, उसमें कम होने की वजह से आपको डिस्टेंस कम मिलता है। सपोज़ आपने इसमें लाइन कम फिलअप कर ली, 135 मीटर की है, आपने 80 मीटर 70 मीटर फिलअप की, जब थ्रो कर रहे हो तो आपका जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और जो लाइन आखिरी में बचती है वो निकलने में तकलीफ़ देती है। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि आप कैस कितनी भर रहे हो लाइन, दोनों चीज़ें ध्यान में रखिए दोस्तों। ज़्यादा नहीं भरनी है, थोड़ी सी ये जो इसकी
मार्जिन दी हुई है यहाँ पर, तो गोल्डन कलर से काफ़ी खूबसूरत मार्जिन है प्रोमैक्स 3 में, अबू गार्सिया में, और मेरी शिमानो कॉज में भी है। तो ये यहाँ पर इसको थोड़ा और भरना है, बस मैं आपको बता ही देता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से इसे थोड़ा और भरना है। बस ये इतना काफ़ी है, इतना इसे खाली रखना है। ये लाइन मोर देन सफिशेंट है अगर आप इसके आगे लीडर लाइन भी लगाते हो तो। तो ये हो गई हमारी चौथी मिस्टेक दोस्तों, जो हमारे कास्टिंग डिस्टेंस पे, गेयर रेशो पर, इन सारी चीज़ों पर भी इफेक्ट करता है। मैं अपने अगले वीडियो में, बहुत सारे वीडियोज़ आना बाकी है दोस्तों बाइट कास्टिंग के लिए भी, उसमें आपको गेयर रेशो क्या सिस्टम है ये भी बताऊँगा, ड्रैग क्या चीज़ है ये भी बताऊँगा। लोग ड्रैग के ताल्लुक से भी थोड़े मिसगाइड होते हैं, जैसा अबू गार्सिया प्रो मैक्स इसका ड्रैग 8 kg है, लेकिन शिमानो कॉस का मेरा ड्रैग जो है तो वो 5 kg है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है। शिमानो की ड्रैग कैपेसिटी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अबू गार्सिया की ख़राब होती है, लेकिन 8 kg मुझे अब इसे टेस्ट करना होगा उसके कंपैरिजन में। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने ये बताया, अब हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली मिस्टेक की तरफ, जो कि है हमारी 5वीं मिस्टेक। तो पहले ये चौथी मिस्टेक आप समझ गए दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही बुनियादी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। तो चलिए अगली मिस्टेक की तरफ जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो बुनियादी मिसाल, वो बात 5वीं मिस्टेक के, जब हम 5वीं बार जब हम जो मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक क्या होती है एक्चुअल में, और हम कैसे करते हैं। जब हमने पूरी लाइन डाल ली, सब कर लिया, तो उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक हो गया है, चलिए अब कास्ट करना है, हमने लाइन डाल ली है, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ डन है, बिल्कुल जैसा बताया गया, जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने डे टू डे प्रैक्टिस की है, हमने उस तरीके से पूरा कर लिया, और हम लोग बगैर किसी एक बुनियादी चीज़ जिसे हम ध्यान में नहीं रखते दोस्तों, और हम निकल जाते कास्ट करने के लिए। हम लोग साइट पर पहुँचते हैं, साइट पर पहुँचने के बाद में लूर वगैरह लगाते हैं, सेटअप करते हैं, एंड देन उसको कास्ट करते हैं, बैंग। ये गलती मुझसे बहुत होती है दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये वो बुनियादी गलती है जिसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। मैंने सब कुछ कर लिया दोस्तों, लेकिन क्या मैंने मेरा ब्रेक सिस्टम चेक किया? देखिए ये ज़ीरो पर ही है अभी, मतलब मिनिमम पर है। क्या मैंने इसकी स्पूल टेंशन चेक की? बस ये दो चीज़ें दोस्तों मैंने थ्रो कर दिया, वो वहाँ पर ही पहली ही बार में बैकलैश। इसे कैसे एडजस्ट करना है दोस्तों, आपके हिसाब से कि आप ब्रेक सिस्टम को कैसे एडजस्ट करते हो, लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हो तो आप थोड़ा आधे से ज़्यादा ब्रेक रखें इसमें, ध्यान रखिए। SPS ब्रेक सिस्टम तो मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन इसमें आधे से ज़्यादा ब्रेक रखिए, और अगर आपको काफ़ी टाइम हो गया है तो मैं ये 5, 6, 7 पर ही रखता हूँ ब्रेक सिस्टम, आप बढ़ा सकते हो। ये देखिए मैक्स यहाँ है और मिनिमम यहाँ है, आप बिगिनर हो तो इसको इस तरह रखिए, आप अगर थोड़ा अच्छा और लॉन्ग कास्ट करना चाहते हो तो ब्रेक सिस्टम को कम कीजिए। ब्रेक सिस्टम के ताल्लुक से मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें मैग्नेटिक ब्रेक सिस्टम है, स्पूल साथ में ले आ रहा है, तो इसमें 5 आप ऐसा रखो ना बेटा उसको, आप क्यों हिल जा रहे। इसमें अगर आप देखोगे तो 5 ब्रेक पैड्स है, ये 5ों ब्रेक पैड्स काम करते हैं इसमें। जैसे ही हम इसको मैक्सिमम पर लाते हैं तो ये ऊपर आते हैं, अंदर आते हैं। ये भी मैं इंशाल्लाह अपने किसी वीडियो में आपको ज़रूर समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा कम ही रखता हूँ, मिनिमम की तरफ में थोड़ा रखता हूँ, ताकि ये आसानी से हो जाए। सीधा पकड़ो बेटा उसको, मेरे तरफ आने दो, बस बस, ताकि ये आसानी से हो जाए। अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो मतलब ये 5वीं मिस्टेक हो गई कि ये नई रील है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी में था, अरे चलो यार ये करना है, लेकिन ये मेरी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फेर देता है। तो जब भी इसको स्पूलिंग करते हैं तो दो बार चेक कीजिए कास्ट करने से पहले कि आपने ब्रेक सिस्टम, स्पूल टेंशन, ये सब कुछ बराबर रखा है क्या, सब कुछ बढ़िया काम कर रहा है, पहले ये देखना है दोस्तों। कोई भी गलती मत कीजिए दोस्तों, तो आपकी रील और सारी चीज़ें अच्छी बढ़ेंगी। अब अगर आप शुरू कर रहे हो, आप नए हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पहली बार में कुछ अच्छे तरीके से करना है, आप नए हो तो एक आइडिया दूंगा दोस्तों। जैसे ही आपने एक अच्छा लंबा कास्ट किया, तो लंबा कास्ट करने के बाद में यहाँ स्पूल में एक इलेक्ट्रिकल टेप या कॉटन टेप जो होता है वो लेकर उस पर लगा दीजिए, कास्ट होने के बाद में जब वो खाली रहेगा, और उसके बाद में लाइन लपेट लीजिए।
इसका फायदा क्या होगा दोस्तों, ये छठी ट्रिक है दोस्तों, लेकिन ये इन ट्रिकों में नहीं गिनी जाती है क्योंकि स्पूलिंग की बता रहा हूँ मैं। जब आप अगली बार कास्ट करोगे तो आप अगली बार में कास्ट करने के बाद में जब आप अगली बार कास्ट करोगे दोस्तों तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज जैसे आप बैकलैश पड़ता है तो पूरी फफ करके बाहर नहीं आ जाएंगी, वो वहाँ टेप लगा है वो उसे रोक डालेगा। तो दोस्तों ये वो बातें हैं, यानी वो जो टेप की बात मैंने बताई ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। पाँचों मेरा पर्सनल है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने लाइन रखने का तरीका पुट्ठे में डालकर जिस तरीके से बताया कार्टून के एक छोटे बॉक्स में, ये सब अलग अलग हो सकता है दोस्तों, आपके भी अलग हो सकते हैं। ये मेरे पाँच छः कुछ बताने हैं। सबसे पहले चलिए पहला लाइन बराबर बिल्कुल सीधा रखना है, पहला जो हमारा पॉइंट था। दूसरा ज़्यादा टाइट नहीं करना है, ज़्यादा लूज नहीं करना है, इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल सही तरीके से आपको टेंशन को आने देना है। तीन नंबर के इधर साइड या उधर साइड मत जाने दो, ज़्यादा ज़ोर से मत खींचो, ज़्यादा ढीले मत आने दो, यहाँ उंगला मत रखो, लाइन को परफेक्शन से आने देना है। तो इसमें बिल्कुल सीधी और बेहतरीन लाइन भरेंगी। चौथी बार के आपको चौथी मिस्टेक कि आपको इसमें जो लाइन है उसका अमाउंट, वो लाइन बिल्कुल परफेक्ट भरनी है, थोड़ा ऊपर नहीं करना है, यानी ज़्यादा भी नहीं भरना है, कम भी नहीं भरना है, बिल्कुल बेस्ट लेवल पर भरना है इसे, कि थोड़ी सी जगह कम रखनी है उसमें, ताकि आपको आगे काम में आए। पाँचवें नंबर की टिप ये है, यानी ये तो होगी चौथे नंबर की कि आप ज़्यादा ना भरे, ये ना करें। और पाँचवें नंबर की टिप जो लास्ट वाली थी कि जब भी आप सेटअप के लिए जाओ, थ्रो के लिए जाओ, कास्ट के लिए जाओ, तो इसका ब्रेक सिस्टम ज़रूर चेक कर लो। ये मिस्टेक्स है दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, कि आपको आपके साथ में कोई और स्पूलिंग में मिस्टेक्स होती है क्या, तो मुझे और आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में, मुझे भी सीखने मिलेगा दोस्तों। ये पांच मिस्टेक्स जो मेरे ध्यान में थी या छह मिस्टेक्स जो मैंने बताई उस पर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों, और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए दोस्तों। मेरे फेवरेट लूर्स आ रहे हैं, मैंने कुछ लाइन मनीष भाई से मंगवाई है, कैबरल आउटडोर से मैंने अपने फेवरेट लूर्स मंगवाए हैं, मैं इंशाल्लाह उसके पूरे मोमेंट्स बताऊंगा। इफ्तार का वक्त हो चला है दोस्तों, मुझे घर भी जाना है, तो मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नवाजिशों के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, लगभग 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और मेरे अगले वीडियोज़ का वेट कीजिए दोस्तों, जल्दी ईद आ रही है, आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद है, और ईद के बाद में मेरे काफ़ी सारे वीडियो बैक टू बैक आने वाले हैं दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों।